हेलो नमस्कार गुड इवनिंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग बढ़िया है कैसे चल रही है आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है चलने भी चाहिए जबरदस्त चलनी चाहिए जोरदार चलनी चाहिए खतरनाक चलनी चाहिए दुवेदार चलनी चाहिए और भयंकर चलनी चाहिए क्योंकि आंखों में और मान लिया मंजिल को अपना मान लिया अब मुश्किल है या आसान है ठान लिया तो ठान लिया ठान लिया है सरकारी नौकरी लानी है दो में कुछ भी हो जाए जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं तो बिल्कुल रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा थक करना बैठे मेरे प्यारे विद्यार्थी नौकरी भी आएगी और नौकरी करने का मजा भी आएगा तो बिल्कुल पशु परिचर की नौकरी को लेकर रहेंगे और है ना इतनी दमदार तरीके से तैयारी करेंगे कि एक बार तो होना ही पड़ेगा और मन में किसी प्रकार का कोई भी द्वेष द्वंद और कुछ नहीं रखना कहते हैं ना साहब द्वंद कहां तक पाला जाए युद्ध कहां तक टाला जाए तो उत्कर्ष का स्टूडेंट है फेक वाला जो पशु परिचर की हाँ परीक्षा को सेट कर जाए तो बिल्कुल सेट करना है ज़बरदस्त करना है और मेहनत करती है मेहनत करनी ऐसे नहीं है खाली क्लासे देखने मात्र से हो जाएगा साथ में पेन और कॉपी लेके बैठे कॉन्फिडेंस रखें और एक अच्छी आशा विश्वास के साथ बढ़े और ज़मीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है अपने पंखों खोल जमाना सिर्फ तेरी उड़ान को देखता है तो आपकी ज़बरदस्त वाली उड़ान होनी चाहिए आपकी ज़बरदस्त वाली कंसंट्रेशन होनी चाहिए और मेरी तरफ से मैं इतना सा आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एक एक चीज़ याद कराऊंगा और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप सभी का उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पर हार्दिक स्वागत है, मैं आपका सभी को है ना जोड़ क्योंकि आज कुछ खास चीजें आने वाली है क्योंकि अभी जैसे ये भर्ती आई ना तो बहुत से चैनलों ने पशु परिचय लगानी चालू कर दी है मैं सभी गुरु जी का तहे दिल से अभिवादन भी करता हूं धन्यवाद भी करता हूं लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा पशु संपदा नहीं पढ़नी है पशुपालन पढ़ना है है ना कई जगह मैंने देखा है पशु संपदा पढ़ाई जा रही है जीके पढ़ाया जा रहा है जीके अलग है इसमें भी जीके हैं इसमें भी पशु संपदा जीके भूगोल में आएगी लेकिन यहाँ पशुपालन में आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़नी है जो ट्वेल्थ इलेवंथ एग्रीकल्चर की बुक्स में है ठीक है और उसके अलावा और भी जगह पर है ठीक है तो बिल्कुल सभी का स्वागत है मेरे साथ में यहाँ पे खुशी राम श्याम गुर्जर जी पूजा मीना जी अनिल राठौड़ जी मिस्टर संजू राजमेवाल ब्राह्मण सभी का एक साथ तहे दिल से स्वागत है अब करते हैं स्टार्ट आज का पशु परिचर का सेकेंड चैप्टर वही है सामान्य ज्ञान ही है सामान्य ज्ञान के अंदर जैसे मैं बताऊँ आपको मैंने मैटर कैसे तैयार किया है तो सबसे पहले आपको ऑथेंटिक कहाँ से डेटा मिलेगा ठीक है जैसे ये बड़ा चलता है कि सर मैं कल को यदि सवाल करके आऊँ तो आपत्ति कैसे लगो नहीं बढ़ती है ठीक है तो आपके लिए नहीं हमारे लिए तो रोज़ का काम है हमारे लिए तो यहाँ देखो इसके स्टूडियो के अंदर यहाँ पे पूरा एकदम बंच लगा हुआ है एग्रीकल्चर बुक्स का तो आपको एग्रीकल्चर की बुक्स से इसकी ऑथेंटिसिटी जाँचनी है कि यदि कभी कल को आपत्ति लगानी पड़े ठीक है तो सरकारी बुक आर बी मान्य होती है एन में एक टॉपिक है छोटा सा ठीक है लेकिन आरबीएससी में एग्रीकल्चर में ग्यारहवीं और बारहवीं उसके अंदर पूरा है तो नस्लें कहां से पढ़नी है चाहे आप पशुपालन में डिप्लोमा कर लिया आप में से कई एल एस ठीक है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत आगे तक पशुपालन गए होंगे तो ध्यान रखना डिप्लोमा वाला एल वाला पढ़ाई काम नहीं आएगा आपके काम आएगा ट्वेल्थ एग्रीकल्चर बुक का तो मैं आपको ऑथेंटिक दिखाने के लिए एक लाया हूं ऐसे ये ऐसी बुक है जो ऑथेंटिक है अब ये जो बुक है इसके अनुसार अपनी पूरी एक बुक चलती है कृषि प्रवक्श की जिसमें ये सारा सारा डेटा है ठीक है इसके अलावा यहां पर ठीक है ये रहा आपका नस्ल वाला अध्याय नंबर तेरह सरकारी किताब है अध्याय नंबर तेरह पेज नंबर वन अभी आपको धुंधला दिख रहा होगा लेकिन ये किताब जो है सरकारी किताब सर इसको गोट लें क्या कहना आसान होता है लेकिन गोटा नहीं जाता है लेकिन मेरा जो बेस है पढ़ाने का वो यही रहेगा मैं आपको सरकारी किताब का डेटा ही पढ़ाऊंगा पब्लिकेशंस का ऐसे नहीं है कुछ भी पढ़ा दिया ठीक है तो नस्लें अध्याय नंबर तेरा इसमें यहां पर दुदारू है ना यहां पर ध्वी काझी यहां पर भारवाई ठीक है इस प्रकार से नस्लें दे रखी है टोटल अड़तीस नस्लों के नाम यहां पर दे रखे हैं 38 जिसमें से पिछली बार सुपरवाइजर के अंदर ऑलैंड आ गई थी उससे पहले अभी MPUT, SKNU, और उससे पहले पहले अभी और आपके छोटे छोटे जितने एग्जाम हुए हरियाणा में एक एग्जाम हुआ था इंस्पेक्टर का आ, सब इंस्पेक्टर एस का उसमें 10 क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन इस नस्लों में से थे कहने का अर्थ यह है कि आप पढ़ तो लोगे लेकिन विश्वास कैसे करोगे ऑथेंटिक कहां से डेटा लाओगे कल को यदि रेट लगानी है आपत्ति लगानी है या जांच करनी है तो कहां से करोगे मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं सरकारी किताब का एनसीईआरटी भी एक ही पार्ट है उससे पढ़नी पड़ेगी इससे पड़ेगी तो सर ये सारा आप याद कराओगे निश्चित रहो आप क्लास देखोगे पता चल जाएगा फिर इसके बाद में यहां पर जो है अब ये गायों की नस्ल वाला चैप्टर जो है इसको मैं यहां पर लेने वाला हूं ठीक है अब गायों से संबंधित मैंने आपको कल भी बता दिया था ठीक है एनिमल हजबेंड्री का जो ये आर्टिकल है के आपको जो है इसको कैटल बोलते हैं है है ना इसके अंदर जो कैटल के अंदर बात करें तो इसका बोवाइन नाम होता है ठीक है और इससे संबंधित कई चीजें और बताती थी लेकिन अभी भी कल अपना समय कम पड़ गया था पूरी बात हो नहीं पाई थी तो गायों से संबंधित और क्या बातें हैं राजस्थान में गायों की संख्या कितनी है नवीनतम गणना के अनुसार आपको कल बताया था फटाफट बताओ हां राजस्थान में जो गायों की संख्या है वो कितनी है वो है तेरा पॉइंट नौ मिलियन कितनी है तेरा पॉइंट नौ मिलियन ठीक कितनी है तेरह पॉइंट नौ तेरे को नो गाय माता तो यहां पर इससे संबंधित जो है बिंदु जो है मैं आपको बताने वाला हूं और क्या क्या आ सकते हैं गाय के बिंदु एक बहुत ज्यादा ठीक है बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न जो हर परीक्षा में दो दो तीन तीन ठीक है बार आ चुका है वो आ चुका है यहां पर कौन सा वाला गर्व काल और स्ट्रस मद काल आपने सुना भी होगा और जिन्होंने नहीं सुना है वो तलीनता से अब सुन ले वो बिंदु अभी सारे क्लियर होने वाले हैं है ना जैसे सीधा आता है अभी रिसेंटली जितने एग्जाम हुए पशुपालन विभाग में मैं आपको बताऊं क्योंकि मुझे तो सारे प्रश्न याद है एक एक परीक्षा के है ना मैं पिछले सत्रह साल से ये काम कर रहा हूं तो मुझे एक एक परीक्षा में क्या प्रश्न आया कहां पे क्या आता इन सब चीजों का थोड़ा ज्ञान है तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा सुने जेट की परीक्षा होती है ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट जो ट्वेल्थ के विद्यार्थी होते हैं वो कृषि के लिए देते हैं हर साल ही होता है तो पिछले लगभग 2007 से मान लो ना अब तक मैं जेट पढ़ा रहा हूं तो उनके सारे प्रश्न में गर्भ काल का क्वेश्चन आया हुआ है कृषि के अभी तक छह सात एग्जाम हो चुके हैं उनमें गर्भकाल खूब पूछा हुआ है अभी रिसेंटली तीन एग्जाम हुए उसमें गर्भकाल पूछा है यानी कि गर्भ काल का सवाल सौ आएगा तो पेन कॉपी उठा लो पेन कॉपी उठा लो एक फिक्स सवाल जो आपके छपने वाला है वो अभी डिस्कस होने वाला अगले पांच मिनट में गर्भकाल कैसे याद करें गायों का गर्भ काल कितना होता है भैंसों का कितना होता है भेड़ बकरियों का कितना होता है है ना का कितना होता है और ये सर ये इतने डेटा कैसे याद हो गए तो अभी पांच मिनट कोई कमेंट नहीं करना है और सिर्फ और सिर्फ पेन कॉपी लेके बैठो कॉन्फिडेंस के साथ और ये फील करो कि मैं आपके पास आपके रूम में आकर आपको याद करवा रहा हूं प्रोफेशनल तरीके से नहीं एकदम ऑफलाइन की तरह ठीक है तो अगले पांच मिनट तक कोई कमेंट नहीं सिर्फ गर्भ काल याद करने का एक तरीका फटाफट हाँ शेयर कर दो एक बार सेशन को ताकि 500 प्लस स्टूडेंट और करें है ना इसमें चलने चाहिए एकदम जबरदस्त वाले अब सुने गाय से तो पहला बिंदु आता है गर्भकाल कितना गर्भ काल होता है भाई कुछ आइडिया है तो बताओ तो देखो मैं इसका एक बढ़िया मैंने एक ट्रिक बनाई है इसके गर्भकाल की वो बनाई है इसमें नौ महीने और नौ दिन नौ महीने प्लस नौ दिन ये इसका डेटा रहता है नौ महीने और नौ ठीक है नौ महीने और नौ इसका डेटा रहता है यानी कि नौ महीने के बाद नौ दिन बाद इसमें प्रसव प्रक्रिया चालू हो जाती है अब आप इसको निकालना चाहते हो तो एक महीने में तीस दिन है एक महीने में तीस दिन है ठीक है तो नौतरी सत्ताईस नौतरी कितने हो गए सत्ताईस हो गए ना हाँ तो दो सौ सत्तर अरे एक महीने में तीस दिन है तो नौ नौ नौतरी सत्तर दो सौ सत्तर और नौ डाल दो तो टू सेवनटी नाइन से लेकर अस्सी दिन तो इसको आप महीने में कन्वर्ट करो तो नौ इंटू महीना कितना हो गया तीस प्लस नौ तो ये हो गया नौ नौतरी सत्ताईस यानी दो सौ सत्तर अरे कितने दिन हो गए दो सौ सत्तर प्लस नौ यानी कि टू सेवनटी नाइन एकदम फिक्स नहीं होता आस होता है तो ये दो सौ उन्यासी से दो सौ अस्सी दिन होता है सर ये कैसे याद रहेगा हमें नहीं याद रहेगा ये तो गाय का है बेटा गाय के अलावा आपको बहस भी पूछ सकते हैं क्योंकि पशुपालन है ना तो आपको तो मैं सारे गर्भकाल याद करा दूं क्या क्या बोलते हो सारे गर्भकाल याद करा दूं क्या हाँ तो सभी जने गर्भकाल लिख ले हुए यहां पर गाय के साथ में सारे संबंधित तो गर्भकाल इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड क्या बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड गेस्टेशन पीरियड अब देखना यहां पर एक बढ़िया शानदार ट्रिक बन रही है गेस्टेशन पीरियड की सुनो यहां पर सबसे कम होता है डॉग में डॉग यानी कुत्ता ठीक है दो महीने और दो दिन दो महीने और दो दिन तो दो महीने कितना हो गया तीन दो ने छह साठ और लगभग बासठ से तिरसठ दिन एकदम परफेक्ट नहीं होता कभी कभी दो दिन पहले भी हो जाता बाद में लेकिन एक रेंज रहती जी फिर आपको पता होगा पिग है ना सुअर पिग पिग में कितने अक्सर है तीन तो इसके अंदर तीन महीने ओके तीन वीक तीन वीक प्लस तीन डेज तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा सुअर डे जहां पे हो जाते हैं सुअर जहां पनपते हैं वहां पे फसल की बर्बादी हो जाती है तो अब मुझे बताओ इसके अंदर जब आप गिनोगे तो तीन महीने एक महीने में तीन 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 नौ नब्बे दिन तीन सप्ताह एक सप्ताह में आप कितने मानते हो एक सप्ताह मान लो सात है सात सात इक्कीस सातरी इक्कीस ठीक है तो इक्कीस और नब्बे एक सौ दस और तीन एक सौ चौदह दिन के आसपास इसमें ये डेटा होगा वन वन फोर और ऐसे एक सौ चौदह दिन याद करना टफ रहेगा ठीक है चलिए अब यहां पर आते हैं किस पे भेड़ और बकरी जानबूझ के लिखता हूं मैं भेड़ बकरी साथ साथ में है ना क्योंकि दोनों में अक्सर कितने हैं पांच दो और तीन पांच है बिल्कुल तो इसमें पांच महीने प्लस माइनस पांच दिन होते हैं सर प्लस माइनस क्यों लिखे क्योंकि अलग अलग है भेड़ बकरी में भेड़ में कम करना है बकरी में बढ़ाना है है ना भेड़ में कम करना है बकरीम बड़ान अभी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर सवाल था उससे पहले सुपरवाइजर में सवाल था उससे पहले अनेक बारी क्वेश्चन आ चुका है तो आप मुझे बताओ पांच महीने तीन से गुणा करो एक महीने में तीस दिन एक महीने में तीस दिन तो पांच महीने कितने कि पांच पंद्रह पांचरी पंद्रह तो डेढ़ सौ दिन डेढ़ सौ में से दो कम करोगे तो भेड़ का जाएगा एक सौ अड़तालीस एक सौ सैतालीस और दो से तीन बढ़ाओगे एक सौ बावन से एक सौ तिरपन बकरी का जाएगा तो बकायदा अपन लिखेंगे यहां अपन लिखेंगे तभी याद होगा तो बकरी में तो बढ़ाना है भेड़ में भगाना है यदि आपको बकरी पूछे तो बकरी में बढ़ाओ ब से बकरी ब से बढ़ाओ और भेड़ में भगाओ भेड़ में भगाओ ओके तो बकरी में तो क्या करना है बढ़ाना है बकरी में क्या करना है बढ़ाना है तो आप पहले तो ये तो याद करो ये पांच पांच किसका पनपते हैं उस गांव में फसल चौपट कर देते तीन महीना तीन सप्ताह तीन दिन तीन 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 तिगाड़ा काम बिगाड़ा अब भेड़ बकरी दोनों मिला दो तो देखो पांच महीने पांच दिन है भेड़ बकरी दोनों यहां पर कर दें भेड़ और बकरी तो कितने अक्षर बन गए भेड़ बकरी पांच हो गए ना भाई याद भी तो करना है ना खाली लिखना है तो मैं छाप दू मुझे तो आता है ना भाई मैंने तो 2006 से इसको पढ़ लिया है तो लिखने से क्या होता है आपके दिमाग में खोपड़ी में फिट करना है तो भेड़ बकरी दोनों मिला के कितने शब्द है भेड़ और बकरी पांच तो भेड़ बकरी में पांच पांच वाला सीन है अब यार सर बढ़ता किसमें घटता किसमें यह लफड़ा है ब से बकरी ब से बड़ाओ बकरी में बड़ाओ बकरी में बढ़ाओ भेड़ में बगाओ बकरी में बढ़ाओ भेड़ में बगाओ तो बकरी में थोड़ा बढ़ाना है भेड़ में भगाना है तो यदि अलग अलग आप लिखना चाहो तो यह रहा भेड़ रहा बकरी अलग 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 करना चाहो तो इसको कर लो पांच माइनस पांच पांच महीने माइनस पांच दिन यह औसत है मैं कह रहा हूं ना ये ऑथेंटिक नहीं होता थोड़ा आगे पीछे मतलब हो जाता है लेकिन यह ध्यान रखना है परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा आगे पीछे पांच तो लगभग इसकी रेंज रहती है पचास से एक सौ पचपन के बीच ठीक है बीच। मतलब एक सौ बावन तिरपन पे ये बकरी जो है ब्या जाती है और एक सौ अड़तालीस पैतालीस छियालीस सैतालीस अड़तालीस के आसपास ये ब्या जाती है इसमें आपको कोई कह सर ऑथेंटिक बताओ आप तो एक के एक भैया भगवान को भी नहीं पता है क्यों आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होता है तो डॉक्टर जब एक डेट देता है कि साहब किसी फलाने के तेईस जुलाई को बच्चा होगा तो तेईस जुलाई डेट दिए ना तो इक्कीस को भी हो सकता है नौ महीने लगते ही हो सकता है और पच्चीस को भी हो सकता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होता है ठीक है कोई यदि कहता है नहीं मैं तो ये एकदम ऑथेंटिक बताओ तो उसको पता ही नहीं है मैं डॉक्टर हूं हमारा तो रोज का काम है ठीक है तो आपको एक रेंज मिलती है कि साहब फलाना तारीख के आसपास बच्चा होगा कई बार उससे पांच दिन पहले हो जाता है कई बार उसके पांच दिन बाद है मतलब एक रेंज मिलती है ठीक है एक रेंज होती है तो बताओ क्या आपको यह रेंज याद हुई कि नहीं सर अभी गायब याद सबसे पहले सुनो लिंक बैठो याद करने के तरीके सीखो यही काम आएंगे आपके बाकी लिखना पढ़ना कितबम बहुत है ठीक है डी से डॉग डी से डबल डी से डॉग डी से डबल डॉग में डबल डबल कितना तो दो, दो प्लस दो दो महीने एक महीने में तीस दिन दो महीने में साठ दिन साठ और दो बासठ तिरसठ के आसपास कुत्तियां भी आ जाती है बीच जो होती है बासठ त्रेसठ दिन में ब्या जाती है फिर आता है पिग पी आई जी पिग तीन अक्षर सु और तीन अक्षर तो तीन आना ना तीन को तीन बार लिख देना तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा तीन 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 महीना सप्ताह और तीन दिन बाद तीन महीना तीन सप्ताह तीन दिन बाद इसमें सूर के अंदर सूर्य के बच्चा होता है तीन महीने एक महीने में तीस दिन तो तीन महीने में कितने हो गए नब्बे दिन तीन सप्ताह एक सप्ताह में सात दिन एक सप्ताह में सात दिन तो जानते हो ना सात इक्कीस नब्बे और इक्कीस एक सौ दस दिन तीन और जोड़ दो तो एक सौ चौदह एक सौ चौदह से एक सौ सो पंद्रह सोलह भी हो सकते हैं एक सौ बारह हो सकता है लेकिन दस दिन नहीं होंगे लेकिन पांच सौ दिन नहीं होंगे एक रेंज होती है इस रेंज में बच्चा होगा जैसे मानव की रेंज सबको पता है नौ महीने क्योंकि एक जनरल भाषा है हाँ नब्बे महीने टाबर हो जैसा नौ महीनों में टाबरी हो गए एक नॉर्मल भाषा होती है नौ महीने जैसे मानव की रेंज है वैसे इनकी रेंज अब ये अपन पढ़ते नहीं इसलिए याद नहीं है मानव को बोलते इसलिए याद है ठीक है फिर आगे भेड़ बकरी भेड़ और बकरी दोनों मिला के कितने शब्द हो गए भेड़ दो बकरी तीन है ना भेड़ दो बकरी तीन कितने हो गए पांच अरे भेड़ बकरी पांच हो गए ना हां तो पांच पांच वाला मामला जो है भेड़ और बकरियों में है अब किस में ज्यादा किस में कम तो ब से बकरी ब से बढ़ाओ बकरी में बढ़ाओ स्पष्ट लिखा है भैया क्योंकि मैं खुद विद्यार्थी रह चुका हूं और मैंने भी पीएमटी की परीक्षा कई बार दी डॉक्टर मेडिकल नहीं बना वेटनरी बना लेकिन जो एक्सपीरियंस उस दौरान मैंने प्राप्त किया वो मैं पूरा झोंक रहा हूं चीजें याद किए बिना कोई मतलब की नहीं है है ना आपको किसी ने सस्ता कोर्स दे दिया तीन सौ चार सौ रुपए में आपको छोटा छोटा पढ़ा दिया आप राज्यों कर रहे पशुपालन तो याद हो गया ध्यान रखना पशुपालन है के नहीं इसको स्पेसलिस तरीके से पढ़ना पड़ता है और आपको इसको स्पेशली तरीके से करना पड़ता है तो प्लीज हल्के में मत लेना इजी है बट एकदम इजी नहीं है, है ना सरल है सरलतम नहीं है ठीक है अब आते हैं कि इसमें भेड़ बकरी में बढ़ाओ तो थोड़ा सा ज्यादा कर दो कितना ज्यादा ज्यादा नहीं है पांच दिन दो तीन दिन ही होता है लेकिन मैक्सिमम पांच दिन जैसे डेढ़ सौ है पांच महीने के तब तो पांच सौ डेढ़ सौ से दो तीन एक सौ बावन तेपन पे बकरी भी आ जाती है और एक सौ सैतालीस अड़तालीस भेड़ भी आ जाती है यह याद हो गया अब दिल थाम के बैठो आपको लाइफ टाइम याद कराने वाला हूं पशुपालन का गाय का ठीक है गर्भ काल अभी आगे चलेगा गाय का तो बताया नहीं सर भैंस का ठीक है उसके बाद घोड़ी का उसके बाद में आपके रह जाता है कौन ओटने का अब यू मत कहता ना सर ऊंदरे का ही बताओ इसका ही बताओ क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल होते हैं ना उनका पूछते हैं कल को कोई आ गया सर कीड़ी का बताओ ना ठीक है तो भाई साहब यहाँ हरेक का ठेका नहीं ले रखा है जो जो फेमस है जिनके क्वेश्चन आते हैं उनका बताऊंगा है ना ये मत कल को कह देना सर है ना एक चींटी कितने दिन में भी आती है तो भैया मैं एनिमल हजबेंड्री का डॉक्टर हूँ है ना मैंने सारे एनिमल्स को नहीं बनाया है लेकिन मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ याद करा सकता हूँ ठीक है तो अब सुनना आएगा मज़ा ठीक है अब आपको मैं ये गर्भकाल या इसमें से एक सवाल आएगा तो बी फोकस एटलीस्ट टू मिनट जैसे आपको पता है गांव के अंदर शादी होती है जैसे आप भी गांव के बैकग्राउंड होंगे मैं गांव के बैकग्राउंड से शादी होती है ना तो जो अपने गांव में परिणाम करते हैं तो बूढ़ी दादी है या कोई भी आशीर्वाद तो एक ही आशीर्वाद होता है हाँ नौ महीने में बच्चा हो नवे महीने टाबर हो ऐसे मतलब कहते हैं जी एक नॉर्मल भाषा में कहते हैं नव्वे महीने टाबरी हो ठीक है ये बड़ा आशीर्वाद मानते हैं तो नौ महीने एक औसत रेंज होती है हर एक को पता है कि नौ महीने मानव के बच्चा होता है ठीक है अब वो बच्चा बड़ा सगुनी हुआ मतलब जो बच्चा हुआ ना नौ महीने में बड़ा सगुनी अच्छा बच्चा हुआ ठीक है जैसे ही वो बच्चा हुआ नौ महीने उसके नौ दिन बाद नौ महीने में मानव महिला के बच्चा हुआ और नौ दिन बाद ही भाई साहब गाय भी आ गई घर में टोगड़ी आ गया अब दूध की भी टेंशन खत्म बच्चा बड़ा सगुनी था जैसे ही नौ महीने में एक बच्चा हुआ महिला के नौ दिन बाद घर में गाय भी, भी लो साहब और एक महीने बाद भैंस जो कई टाइम से नहीं ब्या थी वो भी ब्या गई मतलब बड़ा बच्चा सगुनी है बच्चा क्या हुआ घर में गाय भैंस सब ब्या गई फिर एक महीने बाद घोड़ी भी ब्या गई ये लो साहब मतलब यहां पे लाइन लगा दी है ग्यारह महीने ग्यारह दिन ये लो साहब घोड़ी भी ब्या गई मतलब नौ महीने में गाय क्या बैग उसके बाद एक महीने में भैंस गई एक महीने में घोड़ी भी आ गई अब बारह महीने में किसका नंबर आएगा सर बारिया थोड़ा होता है, कोई मरता है तो दिन करते ना अपने पे, तो बारिया में सबने कहा यार हो रहा अभी लोग बाग है ना कोई मरता है तो तो अच्छी बात नहीं है तो बारिया में सबने शांति कर ली तेरिया लगती ऊटनी भी आ गई तेरिया लगा और ऊटनी भी आ गई मतलब ये क्या लगा रखा है पूरा घर एकदम खुशियों से भर गया है उधर देखे तो मानव का बच्चा खेले इधर देखे तो टोकड़िया खेले इधर देखे तो पाडा खेले इधर देखे तो घोड़ी का बच्चा इधर देखो तो ऊटने का टोडिया पूरा घर खुशियाली से भर गया है क्या बच्चा सगुनी आया है क्या शुभ होता है ना किसी किसी के शुभ कदम होते हैं घर में खुशहाली आती है है ना लेकिन किसी किसी के अशुभ भी होते हैं शैतान होता है ठीक है अपन उसकी चर्चा नहीं करें अपन सीधा सट याद करें इससे क्या होता है जी जो मैंने अभी माहौल बनाया ना इससे एक लिंक बैठ जाता है पढ़ने का मन करता है इंटरेस्ट आता है क्लास अच्छी लगती है और लंबा याद रहता है और मैं खाली अभी हाईफाई बन के दर्द दर्द लिख देता हाँ बेटा इसको याद कर लीजिए अरे बेटे को कैसे याद होगा सर इतना आपको ही मुश्किल से हुआ तो लेकिन अब मुझे विश्वास है कि आपको याद हो गया एक बार वापस आओ इधर नौ महीने में महिला के बच्चा नौ महीने में नौ प्लस नौ गाय गाय के बाद दस महीने में भैंस उसके एक महीने बाद घोड़ी बारिये में कुछ नहीं तेरिये में ओटनी हेलो साहब बिना ट्रिक के सिर्फ एक लिंक से एक वर्ड से एक माहौल से एक स्टोरी से सारा कुछ याद हो गया है अब मैं आपके कमेंट देखूंगा और इसके स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये चीजें आएगी आपका एक सवाल पक्का आएगा और आज इसी क्लास से होने वाला है बताओ फटाफट हां क्विक इसको देख लो तुरंत मौज होगी ना भाई चलो चलो थैंक यू एक्चुअली ऐसा है देखो मैं आपको एक बात बताऊं मैं पढ़ाने के साथ याद भी करवाता हूं और उन सब पहलुओं पर काम करूंगा जो पशुपालन से संबंधित है मैंने आपको भी किताब दिखाई ना आप ग्यारह बारी किताब खोल के बैठ जाना ओपन आपको मैं कह रहा हूं आप आज ही मार्केट जाओ किताब लेके आ जाओ उससे खोल के बैठ जाना मेरी खुद की किताब चलती है कृषि पर्यवेक्षक की जो आपको गवर्नमेंट की किताब नहीं मिले तो उसका सारा डेटा उस किताब में है लेकिन मैं बोलूंगा अभी आप दस बारह दिन रुको मैं खुद लिख रहा हूं ठीक है पूरी पशु परिचर के इक्कीस यूनिट मैंने बनाई है उस इक्कीस यूनिट का अलग अलग मैंने काम किया है तीन यूनिट पे काम हो चुका है मैंने अभी मोबाइल के अंदर तीन यूनिट को एकदम रेडी कर दिया है बंद्याकरण हो गया है कृत्रिम गर्भाधान हो गया है नस्लें पहले से तैयार है ठीक है कल तीन चार और करूंगा आज रात को बैठ के दो यूनिट और कर लूंगा मतलब आप मान के चलो हफ्ते भर में मैं इसका ऑथेंटिक मैटर बना दूंगा और उसके बाद में हफ्ते भर में प्रिंटिंग में जाती है बुक वापस आती है रीचेक होती है डेटा मिलाया जाता है और नए नए मतलब मैक्सिमम पंद्रह से बीस दिन ठीक है मतलब दिवाली से पहले पहले आपके एक शानदार किताब ट्रिको वाली किताब आएगी जिसमें ट्रिक्स लिखी होगी सर आपकी किताब में ट्रिक्स होगी क्या हां बिल्कुल होगी कैसे होगी मैं आपको क्या हाँ चलो तो अब यहां पर एक बार वापस देखें क्या चलो अब बातें बहुत होगी अब आप एक बार सभी जने है ना अच्छे से सिर्फ मुझे सुनो ठीक है मैं आपको कोशिश करता हूं मीना के डी से, से डबल डी से डॉग डी से डबल दो महीने दो दिन एक महीने में तीस साठ और दो बासठ ठीक है पिग तीन अक्सर सुअर तीन अक्सर तीन 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 जब तीन है ना तीन को तीन बार लिख दो तीन महीना तीन सप्ताह तीन दिन तीन महीना एक महीने में तीस दिन तीसरी नब्बे एक महीने एक वीक में सात सात इक्कीस नब्बे और इक्कीस कितों के दो सौ दस और तीन एक्स्ट्रा एक सौ चौदह दिन सुअर का गर्भकाल कितना होता है सुअर ही का सॉरी सुअर का नहीं है ना फिर आती है भेड़ बकरिया कितने शब्द हो दो भेड़ तीन बकरी पांच तो पांच का आंकड़ा किस में चलेगा भेड़ बकरी में बकरी में क्या करना है बढ़ाना है भेड़ में क्या करना है भगाना है बासे बकरी बासे बड़ाओ, बासे भेड़ बासे बगाओ ज़्यादा नहीं बगाना है पांच पांच का गैप रखना है यानी कि पांच महीने एक महीने में तीस दिन पांच महीने पांच त्रिपंद्रह डेढ़ में पीछे तो भेड़ है एक सौ पैंतालीस से डेढ़ सौ के बीच मतलब एक सौ छियालीस सैतालीस के आसपास बिया जाती है ठीक है और 150 सौ पचास एक सौ पचपन बावन पे एक सौ बावन एक सौ तिरपन पे बकरी बिया जाती है ठीक है ये अब उसके बाद में आपके है के साहब गाय गाय जैसे ही महिला के बच्चा होगा घर में नौ दिन बाद दूध देने के लिए गाय माता है कि ले तेरे बच्चे का दूध फुल कर देती हूं तो नौ महीने नौ दिन गाय ठीक है दस महीने दस दिन भैंस एक एक महीने गैप में फिर घोड़ी और बार में कोई नहीं ऊंटनी अब दिन तो निकाल एक मैं निकालू इतना तो काम कर लोगे ना यार है ना दिन तो निकालोगे कैसे निकालोगे देखो दस महीने तो एक महीने में तीस तीस और दस और एक सौ तीन सौ दस इसका हो जाएगा नौ त्रीस सत्ताइस और नौ टू सेवन नाइन दो सौ अस्सी मतलब इसके आगे पीछे होता है कभी कभी कोई गाय दो सौ पिछहत्तर में हो जाती है नस्ल अलग अलग होती है कुछ गाय दो सौ पिचासी में भी होती है फिर दस महीने एक महीने में तीस तीस और दस कितने हो गए तीन सौ और तीन सौ दस दिन है ना नस्ल पे डिपेंड करता है वैसे लेकिन रेंज रेंजी होती है ग्यारह महीने हो गया 11 तीन सौ तैतीस तीन सौ तैतीस और यह तीन सौ इकतालीस देख लो एक -एक का फर्क है जी ठीक है ये महीना आप कर देना एक तो आपके बरस छोड़ सकता हूं ना इसका आप सेल्फ देख लेना ये है अब यहां पर ये लो मैं आपको देता हूं सवाल क्वेश्चन भी तो जरूरी है ना क्वेश्चन कैसे देंगे तो आपको मैं देता हूं क्वेश्चन क्वेश्चन है सूरी क्या प्यारा नाम है ना सूर की सूरी, है ना सूरी में गर्भकाल बताइए सवाल तो बहुत सरल है है ना जैसे मैंने कल परसों वीडियो देखे कुछ लोग कह रह रहे हैं पशु पशुपालन तो यूं निपटा देंगे भैया पशुपालन निपटा देंगे अच्छी बात है लेकिन निपट नहीं जाए है ना तो थोड़ा सा इसको ढंग से पढ़ना ये इतना इजी भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है सौ दिन है नब्बे दिन है 280 दिन है और 115 दिन है अब आपको मैं थोड़ा मैंने लिखा है उसमें से भी आगे भी किया दे सकता एग्जाम करेगा ठीक है हाँ अब बताओ तो फटाफट क्विक क्या होगा और वो बच्चा राइट आंसर करेगा जो पहली बार पढ़ रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा मुझे लगेगा मैंने काम किया है मेरी ट्रिक्स ने काम किया है ठीक है तो आपको इस पर लेना है और मैक्सिमम उत्तर जो है आ चुके हैं ठीक है थीके? हाँ और ट्रिक कैसे ये बता दो हां याद हो गया ना अब कई बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे होंगे सुअर को लेकिन सुअर पिग तीन तीन तिगाड़ा तीन बिगाड़ा ठीक है जिस गांव में सुअर पनपते हैं यदि आप पशुपालन से संबंधित है तो आपको पता होगा कि जिस गांव में सुअर हो जाता है उस गांव की फसलें चौपट हो जाती है बहुत बिगाड़ करता है भैया है ना ये तीन है ना ये तीन तीन सौ तैतीस के बराबर तीन तीन तीन, तीन है ना ऐसा आंकड़ा है तो आई थिंक सबका उत्तर सही होगा ठीक है हाँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं कमेंट करके बताओ उनको पशुपालन कैसा लग रहा है हार्ड है ईजी है है ना और अभी तो देखो समय नहीं है क्योंकि बहुत संख्या ज़्यादा है लेकिन वीडियो के बाद जरूर कमेंट किया करें और अपने मन के भाव रखा करें ताकि हमें पता चले कि हम कितना और आपके लिए बेहतर करें है ना मैं कल भी कह चुका हूं और कराऊं कमिटमेंट कर रहा कराऊँ जाल लगा दूंगा लेकिन पैंतालीस नंबर आपको याद कराने के लिए मैटर बनाऊंगा ट्रिक्स बनाऊंगा याद कराऊंगा लेकिन उत्कर्ष का एक ही डायलॉग है जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं आप वही दशरथ मांझी के कॉन्फिडेंस को लेके चलेंगे जिसने पहाड़ को चीर कर रास्ता बना दिया था तो आप इस पशुपालन और इस जीके को रेडी करके सेलेक्शन देंगे और उत्कर्ष में रह कर देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा चाहे यूट्यूब पर हो है ना चाहे आप ऐप में हो चाहे किसी में हो ठीक है चलिए थिंक सो इजी है सभी कर लेंगे अब आई इधर ये मैंने आपको कल बता दिया था जिसने क्लास ली है क्या ये भारी बरकम शब्दावली आपको हार्ड लगती है क्या बताओ कल मैंने ये बता दिया था अभी आपके पास में देखो जो बच्चा दसवीं कई मतलब टाइम से कर चुका कई बच्चों ने कल तक पैंतीस हजार लोगों ने वीडियो देखा है उनको ये जिन्होंने टाइम लिया है सर इतना इंग्लिश कैसे क्या ये भारी बरकम इंग्लिश है क्या ठीक है नहीं ना इसको मैंने कल एक ट्रिक से बताया है क्या बताया है केपीसी और फैमिली कल का वीडियो जरूर देखें क्वेश्चन आएगा भैया केपीसी और फैमिली है ना और उसके आगे कैसे याद करेंगे ए सी में अमिताभ बच्चन इससे याद हुआ है ऐसे तो डर जाओगे ऐसे देखोगे ना इसको और यह सिर्फ एक स्पेस लिस्ट ही करा सकता है ये जीके में नहीं आता है ये चीजें जीके में नहीं आती आप पूछ दो जीके वाले को कि गाय का कुल क्या है बोवीडी तो एक बार थोड़ा मुश्किल होगा है ना तो मैं यही सजेस्ट करूंगा जीके पढ़ो ठीक है अब ये कैसे करें भाई तो ये मैंने आपको कल बताया था क्या बताया था बताओ केपीसी और फैमिली ए सी में अमिताभ बच्चन अब इसको जिस चीज को याद करना है कल की क्लास देख ले कल की क्लास में इसकी पूरी मैंने बायोग्राफी लिखी थी लगभग आधे घंटे तक ठीक है तो अभी इसका टाइम कम है हाँ एक और आता है बहुत प्यारा क्वेश्चन साब ये जो गाय होती है इसमें स्ट्रेस चक्र आता है मध्यकाल सुना होगा आपने हां बहुत फेमस क्वेश्चन है ठीक है ये भी आता है गायों में मध्यकाल गायों में मध्य चक्र मध्य चक्र भी हो सकता है स्ट्रेस चक्र भी हो सकता है ठीक है मध्य चक्र की अवधि है मतलब एक गाय में जो मध्य चक्र जैसे ह्यूमन में मानव के अंदर चलता मेंसुरेशन मैंसुरेशन साइकिल मतलब हर महीने उनका जो है हार्मोन चेंज होता है शरीर में ठीक है महिलाओं की एक होता है मैंसुरेशन साइकिल और पशुओं में होता है ईस्ट्रो साइकिल ठीक है तो ये मतलब कि हर महीने जो इनके चेंज होता है उनकी अवधि पूछते हैं मतलब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जी ये ये वो क्वेश्चन है जो लगभग फिक्स से है तो सर ऐसे फिक्स क्वेश्चन करा दो ना तो हमारा सिलेक्शन हो जाए मैं आपको पहले ही कह चुका हूं पढ़ना तो पूरा पड़ेगा मैं आपको देखो इंपॉर्टेंट से 20, 25, 30 तक ले जा सकता हूं लेकिन 45 में से 45 के लिए मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा इवन पूरा याद कराना पड़ेगा और इवन लास्ट तक जुटे रहना पड़ेगा मई जून तक ठीक है तब जाके होगा चले बताओ इसका कैसे होगा अब जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो आता ही है ठीक है जो बच्चा नया है वो क्या सर ये क्या आंकड़ा है मेरे को तो ये कभी याद ही नहीं हुआ ना देखा है क्या होता क्या ये मध चक्र काल है ना इसमें क्या होता है हाँ आपने मानव में सुना होगा रजो धर्म होता है है ना एक मासिक चक्र होता है ठीक है उसमें क्या होता है शरीर में हार्मोनल चेंजेस होता है जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ता है ठीक है तो सेक्सुअल डिजायर बढ़ती है ठीक है प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं ऐसे करके एक चक्र होता है जी अब वो चक्र तो डॉक्टर पढ़ेंगे क्योंकि उनके काम का है ठीक है और उसको डिटेल पढ़ेंगे कंपाउंडर साहब पढ़ेंगे ठीक है जो एक बड़ी पोस्ट होती है है ना परि परिचय के लिए सिर्फ इतना आ सकता है क्योंकि आपको कोई पशुपालक आके बोला कि साहब रात हमारी गाय है बा बोली थी ठीक है तो आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि बोली थी मतलब ये किसकी बात कर रहा है मध्यकाल की बात कर रहा है तो कितने दिन का होता है कैसे होता है सर इसको कैसे याद करेंगे इसका है 21 दिन अब मैं याद करा दू क्या हाँ देखो एक कनेक्शन बैठ रहा है सभी जने देखना आपको आनंद आ जाएगा सुनकर कि सर ये तो जिंदगी भर नहीं बोलेंगे इसका इंग्लिश में नाम होता है इस्ट्रस है ना और ये है इक्कीस ई से इस्ट्रस से इक्कीस इसको जैसे ही आप लिखेंगे इक्कीस तो स्ट्रेस और इक्कीस में देखो फीलिंग आएगी ई से स्ट्रेस ई से इक्कीस सुन लो लाइफ टाइम के लिए रेडी है आपका ई से स्ट्रेस ई से इक्कीस कभी आपको पूछे स्ट्रेस चक्र है ना मध्य चक्र तो इक्कीस तो सर सब में नहीं ये गाय भैंस घोड़ी सूरी बहुत से पशु में होता है लेकिन बकरी के अंदर ये बीस होता है लेकिन भेड़ के अंदर सोलह ऊटनी में यह तेईस में साल में दो बार आता है एक लंबी चौड़ी लिस्ट है अब सर क्या करेंगे कि पशुपालन में तो गाय का तो है नहीं ठेका सबका आ सकता है सबका याद करा दू क्या अरे बोलो हाँ सबका याद करा दू क्या तो सभी जने ढंग से मिनट कमेंट रोको मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं यार आप क्यों बार बार फीस कम कराओ जयपुर में कौन पढ़ाएगा जोधपुर कौन पढ़ाएगा फीस देखो ऐसा है यदि आपको यदि कोई तीन सौ चार सौ रुपए पांच सौ रुपए में कोर्स करा देता है लेकिन उस पैतल इसमें सवाल पड़ते हैं दस पंद्रह और उसमें राइट आपके होते पांच तो बताओ वो पांच आपके कहीं काम आए क्या एक बात बताओ मुझे बुरा मत मानना आ, है ना मेरे भी जैसे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में और मैं फीस देता हूं तो मैंने इस मुद्दे पर कभी विचार नहीं किया मैं विचार करूंगा क्वालिटीज पे है ना गुणवत्ता पे उसमें आप अभी मेरी क्लास जैसी देख रहे हो ना उससे जबरदस्त क्लास आएगी उससे जबरदस्त आएगा मैटर ऐप में क्यों ऐप में टेस्ट होता है ऐप में सुपरविजन होता है ऐप में लगातार जिम्मेदारी के साथ काम होता है तो आप ये ज़बरदस्ती यार मतलब बार बार फीस कम करो फिर हमें अच्छा नहीं लगता है ना आप पढ़ने पे ध्यान दो और आप फीस की टेंशन मत करो ठीक है हम पढ़ा देंगे कोई नाम मात्र में तीन सौ चार सौ पाँच सौ रुपये में पढ़ाता है तो भैया वो जियोग्राफी पढ़ाएगा वो भूगोल पढ़ाएगा वो पशु संपदा पढ़ाएगा पशुपालन नहीं पढ़ाएगा एनिमल हस्बेंड्री ठीक तो है तो एनिमल तो पढ़नी है है तो तो यार इतना बनता और मैं उस यारे नहीं जाऊंगा मुझे उस मत ले जाओ पे मुझे कहो सर आप जबरदस्त पढ़ो हम तो पढ़ने के लिए आए तो ज्यादा बेटर है तो आप प्लीज क्योंकि बार बार आप ऐसे कमेंट करते हो फिर मैं जवाब नहीं देता और मुझे और लगता है तो माफी चाहता हूं मैं आप कमेंट नहीं देखूंगा अब मैं याद कराने पर काम करता हूं इधर देखें सभी जने तो आधर मध्यल कैसे याद करते हैं है ना इस्ट्रस चक्र हालांकि मैं स्ट्रेस चक्र पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो तो आपके काम का नहीं है स्ट्रेस चक्र मध्यकाल होता है जो डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स है कृत्रिम गर्भाधान नहीं करते हो आप आपको नॉलेज होना चाहिए ठीक है तो ये डिटेल में तो डॉक्टरों के काम का है लेकिन आपको मैं याद कराऊ तो देखो आपको स्ट्रेस एक तो मिलेगा 21 दिन ठीक है तो गाय बैस, सुअरी, और भी अनेक अनेक है लेकिन अपन कुछ डोमेस्टिक एनिमल की बात करें इनमें होता है इक्कीस दिन का जिसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है ई से स्ट्रेस है ई से इक्कीस है ठीक है ना ई से स्ट्रेस है ई से इक्कीस है करवा दिया चलिए अब आप आओ दूसरे पॉइंट पे दूसरा पॉइंट है ना यहां से बकरी ब से बकरी ब से बीस बीस पॉइंट समथिंग होता है ऊपर ही होता है कई बार इक्कीस मिल जाता है बीस दिन ब से बकरी से बीस तीसरा होता है यहां पर आपके सीप जान बुझ के मैं सीप लिख रहा हूं नहीं लिख रहा हूं है ना एस से सीप एस से सिक्सटीन पॉइंट फाइव सर ये क्या होता है इसमें आपको सोलह से सत्रह के बीच तो सोलह सत्रह के बीच ही होता है कई किताबें सोलह भी बोलती है सत्रह सर एग्जैक्ट क्या मैंने कहा ना ये आपको पहले दिखा है मैंने, फाइव बिच, कुतिया। कुतिया में, साल में दो बार आता है ये लेकिन कार्तिक मास में जो सर्दियों में आता है वो इफेक्टिव होता है इसलिए कुतिया साल में एक बार भी आती है ठीक है कुतिया साल में एक बार भी आती है और ऊंटनी वैसे तो ऊंटनी में देखो इंड्यूजिटर होता है लेकिन तेईस दिन के आसपास इसमें भी हो जाता है और ये जो है ऑथेंटिसिटी है एकदम पॉसिबल हम तो रोज ही बताते क्या ऑथेंटिक इसमें आप बताना आपको बार बार लेकिन फिर भी जैसे कोई बच्चा है अब ये अक्सर याद कैसे करोगे ये बात बताओ मुझे ये नहीं पता ऑथेंटिक हमें आप पे पूरा विश्वास है लेकिन ये डेटा याद कैसे होंगे लिखे हुए तो किताबों में है उत्कर्ष में ऐसा क्या है आप में ऐसा क्या है मेरे में कुछ नहीं है मैं तो सिंपल आपका बड़ा भाई हूं और मैंने कल भी कहा था मेरा विभाग मेरा अभिमान मेरा स्टूडेंट मेरा विद्यार्थी मेरा भगवान है ना तो मैं मेरे विभाग को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं प्रेम करता हूं और उसके लिए मैं हर चीज को आसान करता हूं और मेरे विद्यार्थी को मैं बड़ा रेस्पेक्ट से बड़ा भाव से देखता हूं क्योंकि मैं भी जब विद्यार्थी था मुझे भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता उन सबको दिल में लेकर याद कराऊंगा ठीक है इसको ढंग से सुने ई से इस्ट्रस ई से इक्कीस ई से इस्ट्रस ई से इक्कीस लेकिन सब मैंने तो किस किस में नहीं है उनको कर लो याद हो जाएगा हाँ सर ये ठीक है है ना अब बसे बकरी बसे बीस बसे बकरी बसे बीस तो बकरी में बीस बकरी में बीस एस से सीप एस से सिक्सटीन सेवनटी एस एस सिक्सटीन सेवनटीन सिक्सटीन सेवनटीन तो सिक्सटीन सेवनटी का औसत क्या है साढ़े सोलह ठीक है हाँ उसके बाद में आ गया कौन आपके यहां पर कुतिया कुतिया साल में दो बार अभी इतना तो याद कर लोगे ना कुतिया है साल में दो बार है ना और ऊटनी में ये रहता है तेईस दिन ये ऊटनी जो है सुनना ढंग से ऊटनी एक तरह से प्रेरित अंडो सर का उदाहरण होता है इंड्यूस ओविलेटर इसमें ओविलेशन के लिए अंडा प्रेरित करना तब निकलता ऐसे नहीं निकलता लेकिन एक लमसम इसमें डेट भी आती है लेकिन आपके ज्यादातर गाय भैंस भेड़ बकरी आएगी सुनना ढंग से आप गाय भैंस भेड़ बकरी कर लो आपका क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन रिस्क क्यों ले है ना अब सुने याद करें वापस सभी जने मेरे साथ एक बार लिखें और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि कोई पशुपालन का बच्चा नहीं है दसवीं पास का है आर्ट्स का है कॉमर्स का है कहीं का भी है लंबे समय से पढ़े चुका और वो बोल दे आत्मा को सजाएगी मान लूंगा हाँ वास्तव में काम हुआ है अब इधर ढंग से ई से स्ट्रस ई सेट्रसट्रस चक्र सीधा लिखाएगा इंग्लिश में हिंदी में मध्य चक्र हिंदी में ऐसे भी आ सकता ई से स्ट्रस ई से इक्कीस से स्ट्रेस ई से इक्कीस स्ट्रेस इक्कीस दिन का होता है स्ट्रस इक्कीस दिन का होता है लेकिन लेकिन बकरी में बीस बकरी में बीस सीप में सोलह सत्रह सिक्सटीन सेवनटीन सोलह पॉइंट पांच है ना कुतिया साल में दो बार ऊटनी आपके तेईस दिन है अब बताओ क्या आपको मध्यकाल इष्ट चक्र के याद हुए क्या हां अब यह मत बोलना कि सर कीड़े में कितने होते हैं बताओ ना हैं हैं में कितने दूध देता है हैं? कीड़ी से दूध होता है डोमेस्टिक एनिमल जो धन है, है, धन जाता है लाइव स्टॉक है जिनसे धन कमाया जाता है जीडीपी बढ़ती है उस पर बात चल रही है ठीक है प्योर पशुपालन पढ़ा रहा हूं जीके मेरे को आता ही नहीं है हाँ पशु मेले पशु गणना कल परसों क्लास लगाऊंगा देख लेना मौखिक याद करा दूंगा लेकिन आपका साथ और प्यार लगातार बना रहे और इसका स्क्रीन ले लो अब कमेंट देखता हूं थोड़ा पानी पी लेता हूं गला थक गया है है ना हाँ चले भाई हाँ शेयर कर दिया करो यार क्लास को यार है ना ताकि बेचारे जो दूसरे बच्चे हैं उन तक भी जाए ना भाई सही ज्ञान जाएगा ठीक है तो कम से कम आपको याद तो करेंगे ना हाँ तो शेयर कर दिया करो ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके क्लास देखो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि खाली इसके व्यू से मेरा उद्देश्य है सही ज्ञान सही बच्चे तक पहुंचे क्योंकि देखो भाई अलग अलग सब्जेक्ट होता है जैसे मुझे अभी कहे कि सर आप हिस्ट्री पढ़ा दो आप भूगोल पढ़ा दो तो माफ़ी चाहता हूँ मेरे को तो आती नहीं है ना मैं पढ़ूंगा ठीक है लेकिन मुझे कहे सर आप पशुपालन पढ़ा दो मैं सबसे आगे पढ़ाना चाहूँगा ठीक है तो आप रियल सब्जेक्ट रियल बच्चे तक पहुंचाए ताकि हर बच्चे का काम हो नहीं तो वो क्या छोटे छोटे लाभ प्रलोभन के तहत अपना भविष्य जो है खराब कर लेता है ठीक है और विद्यार्थी का भविष्य बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए उसके लिए एक टीचर को एक संस्था को जी जो जी जान से जोर लगाना चाहिए यदि उसे वो सब्जेक्ट कम ज़्यादा आता है तो उसे स्पेशलिस्ट रखना चाहिए खुद ट्राई नहीं करना चाहिए बच्चा गलत नहीं पढ़े और बच्चा कहीं भी ऐसा फील नहीं करे पशुपालन हार्ड है है ना ये उद्देश्य है बाकी देखो भाव सबके बराबर ये सब बच्चों का भला चाहते हैं चलो अब और चलें और बताओ आपको अब देखो ये है मेरी किताब ठीक है मेरी बुक जो है है ना ये है जो मेरी अभी कृषि पर्यवेक्षक की बुक चलती है और आपको मैं बता दूं आप लोगों के प्यार के कारण अभी तक सत्तर हज़ार प्लस बुक्स बिक चुकी है ना खाली एग्रीकल्चर में सत्तर हज़ार प्लस और आप कहीं भी वो पब्लिकेशन पे जा सकते हैं कृषि पर्वेक्षक उत्कृष्ट पब्लिकेशन उसमें ये सब है तो सर ये क्या इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी शब्दावली ठीक है जैसे अपन गांव में कह सकते हैं ना बाड़ा है लेकिन पशुपालन बाड़ा नहीं बोलता है वो क्या बोलता है बारन तो आपको ऐसे थ्योरी मिलेगी एकदम अच्छे से रिटर्न में है ना बारन बा से बारन बा से बायर बा से बाड़ा ये ध्यान रखना भेड़ बकरी का यहाँ मिस प्रिंट हो गया मैंने हटवा दिया था भेड़ बकरी में पेन है तो इसको याद कैसे करेंगे बाड़ा गाय बैस का क्या होता है बाड़ा होता है ना जैसे गाय बैस को रखते हैं हर कोई जान जानता मारन बाड़ा ठीक है बाड़ा बाड़ा बारन 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 ठीक है हाँ चलो उसके बाद में पॉलीपेड ये क्या होता है जिसमें खुर विभाजित होता है जैसे गाय बैंस बेड़ बकरी इनके खुर होते हैं ना दो होते हैं आप देखोगे नहीं तो देखना गाय बैंस के ऐसे खुर होते हैं ठीक है उसको पॉलीपेड बोलते हैं और घोड़े को क्या बोलेंगे सोलिपेड क्या बोलेंगे सोलिपेड तो घोड़ा जो है घोड़े का खुर आप जानते हैं देखा होगा घोड़ा है या कच्चर है या गधा है उसमें ऐसे खुर होता है एक खुर होता है जी ठीक है तो इसमें एक खुर होता है तो जिसमें एक खुर होता है उसको बोलते हैं सॉलिपेड क्या बोलते हैं सॉलिपेड अरे क्या बोलते हैं सॉलिपेड ठीक है तो एक खुर वाले सोलिपेड होते हैं सॉलिपेड याद नहीं होता तो ऐसे याद कर लो सवारी वाले स से सवारी स से सॉलीपेड घोड़ा खच्चर गदा जिनका एक खुर होता है वो तो होते सॉलिपेड और दो खुर वाले पॉलीपेड ठीक है हां ये ये मतलब चीजें हैं ये आपको किताब मिल जाएगी मेरी किताब में ठीक है उसके बाद स्प्रिंज एक गाय की प्रजाति होती है जिसमें कुछ ही दिन में ब्याने वाली हो गाय होती है ना जैसे ब्याने वाली है तो स्प्रिंग लगी ऐसे कूदती है कभी आप जैसे पशुपालन करते हैं आपके कोई है ना तो उसको पूछना जैसे गाय ब्याने वाली है तो गाय बैठती है उड़ती है जैसे स्प्रिंग लगी हुई है तो स्प्रिंज खुर का मतलब जैसे अलग अलग होता है बेटा जैसे एक खुर होता है ठीक है घोड़े का काम देखो एक खुरा अभी आज जाके देखना कोई भी गाय है ना उसमें देखना ऐसा आएगा फिर डाउन कवर यह क्या होता है डी से डाउन डी से ड्राई जो मादा पशु को बच्चे देने वाले हो जन्म के लिए तैयार हो ड्राई हो जिसका दूध नहीं होता है जो बच्चे देने वाली हो अभी तैयार मतलब एक दो दिन में जिसका बच्चा होने वाला है उसको बोलते हैं डाउन कवर ये ये नाम है और बहुत इजी है है ना मैं इसलिए ये जिस पे फोकस करूंगा उससे क्वेश्चन आएगा अब ये है भाई साहब यहां से क्वेश्चन आया था पिछली बार 18 सितंबर 2021 को परीक्षा हुई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक ठीक है इसमें यह क्वेश्चन था उससे पहले आपके है ना अनेक अनेक एग्जाम में था अब यहां पर यह कैसे याद होगा सर जी हमें अभी बुल बुल क्या होता है सांड लेकिन सांड हिंदी में बोलते हैं बुल बोलते हैं पशुपालन में पशुपालन में से सांड गाय वाय बोलते हैं अलग नाम होता है इसको बोलते हैं शब्दावली हाँ मामलो डाउन है बुल बुल होता है व्यस्क नर काऊ काऊ क्या होती है कल बताया था मैंने गाय की व्यस्क मादा जिसने बच्चा दे दिया है जिसका बच्चा हो चुका है प्रसव हो चुका है ठीक है बुल काफ ये क्या होता है जवान नर को बुल काफ बोलते हैं हीफर गाय में जवान मादा है उसको हीफर बोलते हैं टोगड़ी नहीं बोलते हैं गांव में टोगड़ी बोलते हैं लेकिन उसका नाम है हीफर अब ही पर पूछो अच्छे अच्छे पशुपालन में नहीं आता है तो ये कैसे करेंगे मैं अलग बुक निकालूंगा सुनो आपको वो बुक नहीं लेनी है मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं हमने बुक भी निकाली हुई है इस पर काम किया हुआ है मतलब हमारी महारत है ये बताना चाह रहा हूं मैं पशु परिचर के पूरे इक्कीस यूनिट को अलग अलग बोली दो दो पन्ने चार चार पन्ने लिखूं ठीक है आपको मैं वो दूंगा लेकिन उसमें देखो बुक लगने में समय लगता ही। नहीं, रात जाती है हम तो अवेलेबल करा दूंगा ठीक है तो उसी का पार्ट ये भी आएगा आपके ठीक है उसके बाद एक आता है प्रीमी पेरा ये क्या होता है पहली बार जो ब्याती है उसे बोलते हैं प्रीमीपेरा प्रथम बार बचा हुआ प्रीमी पेरा कलिंग होता है अवांछित पशु को समूह से अलग करना कलिंग छांटना ठीक है फिर होता है काफ ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली जेट में आया है जेट की परीक्षा आप जानते हैं क्या जेट होता है कृषि के लिए उसके अंदर आया है जेट 2023 में है ना काफ क्या होता है गाय का नवजात बच्चा जिसे अपन टोगड़ा कहते हैं है ना वो टोगड़ा नहीं काफ कहलाता है सर ये तो इंग्लिश में बोलते है, हाँ? हैं हां इंग्लिश में बोलते हैं ठीक है हां बोलो लॉ क्या स्टिर ये आपके अशु उसमें परिचर के अंदर बंद देखो सिलेबस में है लिखा हुआ है कि नहीं है अरे लिखा हुआ है ना हाँ तो बिल्कुल आएगा बंद नर को क्या बोलते हैं तो सुनो सांड होता है और बैल होता है फर्क क्या है सुने सांड होता है और बैल है इसमें क्या फर्क है सांड और बैल में क्या फर्क है सांड जो है वो प्रजनन कर सकता है क्या कर सकता है प्रजनन कर सकता है यानी कि यह फर्टाइल होता है प्रजनन कर सकता है ठीक है इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्टाइल यह फर्टाइल है ठीक है बैल क्या होता है बैल ये क्या करते हैं सांड ठीक है सांड के जो है जनन अंग जनन अंग या उससे संबंधित है ना उसकी इस परमेडिट कोर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे जनन अंग लिखो ना एक बार तो जनन अंग को निष्क्रिय करना हटा भी सकते हैं निष्क्रिय करना या हटाना के बाद ठीक है तो बैल क्या होता है सांड के जनन अंग को निष्क्रिय करना हटाने के बाद बैल कहते हैं ठीक है ये आपके चैप्टर है आप देखो तो बंद्याकरण करके एक उस पर पूरी मेरी फाइल तैयार है मैं आपको बंद आप पढ़ाऊंगा इसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन क्या बोलते हैं कैस्ट्रेशन ठीक है तो सांड को जब इसमें क्या करते हैं इसमें उसके टेस्टिस टेस्टिस समझते हो वर्षण ठीक है कई बार वर्षण हटाते थे, थे पहले लेकिन अब टेक्नोलॉजी थोड़ी और बड़ी है तो वर्षण नहीं हटके उसमें स्पर्मेटेड कॉर्ड है जो शुक्राणु ले जाता है नसबंदी बोल देते हैं भाषा में क्या बोलते हैं नसबंदी तो इसके या तो पूरे टेस्टिस हटा लेते हैं लेकिन उसमें जाती है, जो शुक्राणु को ले जाती है, उस नली को काट देते हैं बर्डीज से ठीक है उसको बोलते हैं बंद चैप्टर है क्वेश्चन आएगा अब अलग अलग पशुओं में बंद नर का नाम अलग है ठीक है अब सुनो इसका नाम है बुल सुनना याद करना है बुल ठीक है इसका नाम कुछ नहीं है स्टीर है अब बुल को स्टीर बनाना है बैल बनाना है, सुनो तो क्या होता है सांड थोड़ा आक्रामक होता है सांड को यदि आप खेती में हल में जोतोगे तो वो क्या करेगा इधर उधर देखेगा उसके मालिक को मार सकता है किसी गाय को देखा उसकी तरफ आकर्षित होकर उसकी तरफ जा सकता है तो आपके हल को तोड़ के वो तो भाग जाएगा तो उसको ओबीडियंट आज्ञाकारी कैसे बनाए वो कैसे सीधा रहे तो उसके लिए उसके वर्षण काटे जाते या उसको क्या कर देते बंद किया जाता है बंदेकृत समझ आ गया भी? अब इसके बैल को इसको बोलते हैं बुल लॉक क्या बोलते हैं बुल लॉक बोलते हैं बुलॉक अब ये कैसे याद होगा बुलॉक तो कहा साहब ये बुल जो है बेटा इधर उधर ज्यादा घूमता है इधर इसको लॉक कर दो क्या कर दो लॉक तो बुल है वो ज्यादा गाय की तरफ जा रहा था अंदर डाला और लॉक टिका दिया अब जा बेटा तू फिर स्थिर हो जाएगा तो बुल लॉक स्टिर लॉक स्टिर याद हो गया ये है बंद आप देखना उसके अंदर चैप्टर है वापस समझा रहा हूं बैल और सांड में बेसिक फर्क क्या है सांड होता है प्रजनन कर सकता है फर्टाइल होता है ये बच्चे उत्पन्न कर सकता है लेकिन ये आक्रामक होता है तो इसको क्या अपन हल में जोतते हैं तो ये बार बार अपना ध्यान भटकता है और इसको अपन ले नहीं सकते तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें अपन इसका कर देते हैं क्या इसके जननांग को निष्क्रिय जननांग हटा भी सकते हैं निष्क्रिय कर सकते हैं बैल बना सकते हैं सांड को बैल बना दो इसको बोलते हैं बंद्या कर इसका नाम होगा बुल को लॉक कर दिया या बुल स्थिर कर दिया याद हुआ भाई समझ आ गया क्या अरे बताओ हां तो आपको बुल लॉक समझ आ गया उसके बाद मैं आपको आज ये मैटर बता रहा हूँ कि कैसे कैसे मैटर आते हैं मेरा ये उद्देश्य है पढ़ाने का बताने का कि आपको मैटर पता चले कि पशुपालन किस लेवल का होता है इन क्लासों से ये इस तरह से पूरा मेट्रोगा तब जाके पशुपालन पार पड़ती है ठीक है आपने एक ही पीरियड में एक ही नस्ल में गाय पढ़ ली ठीक है 10 दिन में पशुपालन पूरा कर लिया और राज हो गया अरे साहब मेरे को तो पशुपालन आ गया तो माफ करना पशुपालन 10 दिन का नहीं है पशुपालन एक महीना दो 2 घंटे क्लास चलेगी तो 60 से 70 घंटे भी उसमें कम पड़ेंगे तो हमारी जो सुपरवाइजर क्लास होती है उसमें मेरा पशुपालन का जो टाइम लगता है वो लगता है सत्तर से अस्सी घंटे मतलब दो घंटे क्लास होती है एक से सवा महीना लगता है यहां भी वही लगने वाला है ठीक है हाँ अब काविंग ये क्या होता है काफ को निकालना काफ जो होता है उसको निकालना होता है काविंग क्या होता है काविंग गाय में प्रसव प्रक्रिया को क्या बोलते हैं काविंग जैसे अपन नॉर्मली बोलते हैं ना गाय भ्यागी तो अपन नॉर्मली भाषा में बोलते ब्याना लेकिन प्रसव को यहां पर साइंटिफिक में बोलेंगे काविंग बार ये का याद नहीं होता देखो बछड़े को क्या बोलते हैं काफ सुनना बछड़े क्या बोलते हैं काफ काफ का होना काफ का निकलना काविंग जैसे बरसात को क्या बोलते है? रेन लेकिन इंग्लिश क्या बोलते इट्स रेनिंग बोलते ना इट्स रेनिंग बरसात हो रही है तो काफ इट्स काविंग ओके रैन इट्स रेनिंग काफ इट्स काविंग काफ क्या है बछड़ा है काफ क्या है बछड़ा है बछड़ा हो रहा है भाई इसकी इंग्लिश बनाते है क्या है बछड़ा हो रहा है ओके okay. आप बछड़ों के नाम याद कर लो आईएनजी लगा लो इंग्लिश अपना निपटा देगी ठीक फिर सर्विंग सर्विंग क्या होता है गाय में जो मैथुन की प्रक्रिया होती है सर्विस कराना जैसे अपन बोलते हैं ना गाय साहब गाड़ियों की सर्विस कराते हैं ना धुलाते है वैसे इसमें सर्विंग होगा इसकी मैथुन है ना बड़िंग, बड़िंग, ये भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं डी डिलीट बर्ड यानी कि उसकी कली काटाना डी यानी डिलीट हॉर्न यानी कि इसमें डी से क्या होगा डिलीट अरे डिलीट तो जानते हो ना हाँ डिलीट में हटाना और हॉर्न क्या होगा हॉर्न का मतलब होगा सिंग डिलीट तो सिंग सर इसके सिंग भी हटाया जाता हां बिल्कुल यह पशुपालन के सामान्य शब्दावली है सामान्य ज्ञान है पशु का सिंग हटाना क्या कहलाएगा डिलीट ऑफ हॉर्न डिलीट ऑफ हॉर्न डिलीट ऑफ हॉर्न डी हॉर्निंग लेकिन छोटे बछड़े में हॉर्न नहीं होता सींग नहीं होता छोटे बछड़े में कलिका होती है उसको बोलते बड क्या बोलते हैं बड अपन बचपन में उस पर क्या लगा देते या एक इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर होता है उसकी बड को क्या कर देते पहले से घस देते हैं ताकि सींग नहीं निकले ठीक है तो डी बडिंग डिलीट बड डी हॉर्निंग डिलीट हॉर्निंग बड को डिलीट करना और हॉर्न को डिलीट करना ठीक है ये आपके शब्दावली के सोलह शब्दावली हो गई है गाय भैंस जब स्ट्रेस में जोर जोर से बोलती है इसको नॉर्मल भाषा बोलते हैं रंबाना जिसको पशुपालन का नॉलेज है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है आपको पता होगा कई बार जैसे बहुत जोर जोर से गाय बोलती है ठीक है अब पशुपालक चिंतित हो जाता है कि यार गाय कहीं हो मतलब यार देखो जो गाय भैंस रखता ना जैसे मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा रखते हैं ठीक है ठीके? तो एक पशु को है ना एक घर का मेंबर मानते हैं मतलब अपन जो आजकल इंडियन सोसाइटी में है ना ये कुत्ते और ये पालते हैं राजी हो जाते हैं आप एक बार पशु से अटैचमेंट करके देखो उसके जब जैसे मैं बताऊं मेरे घर में यदि किसी हमारी गाय भैंस है उसका बुखार है वो चारा नहीं चल रही है घर में एक अजीब सा माहौल हो जाता था मम्मी खाना नहीं खाती थी अरे इन गाय होगा डॉक्टर बुलाओ जब तक वो रड़े नहीं होते ये बीमार पड़ जाते हैं ये एक प्रेम होता है जी और ये है ना इसलिए होता है क्योंकि वो अपने परिवार के सदस्य हैं अब वो जो जोर जोर जो से बोलती है तो पहली बार जो पशुपालन कर रहा है क्या गया मध्य मध्यल में वो ले जाते हैं या तो सांड के पास मैथुन कराने के लिए या फिर उसको क्या करते हैं डॉक्टर को बुला के आजकल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम कोर्स में है भैया आपके कोर्स में करिम गर्भाधान क्या होता है कृतिम गर्भाधान में डॉक्टर या कंपाउंडर साहब पशुधन निरीक्षक बोलते जो आपके ऊपर पोस्ट है पशु परिचर के ऊपर है पशुधन निरीक्षक लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर कंपाउंडर साहब ठीक है और उसके ऊपर है डॉक्टर साहब ठीक है साहब इसलिए बोला जाता है कि सम्मान दिया जाता है किसी को भी सम्मान देना बहुत अच्छी बात होती है मैं मेरे कंपाउंडर को पूरा सम्मान देता हूँ मेरे पशु परिचर को पूरा सम्मान देता हूँ क्यों मेरे परिवार के सदस्य है स्टाफ परिवार ही होता है ना एक परिवार होता है हमारे पशुपालन का उसमें हम तीन चार जो भी स्टाफ होते हैं बड़े प्रेम से रहते हैं तो अब सुनो वो डॉक्टर या कंपाउंडर यही करेगा आप यही नहीं करते हो आप सिर्फ पास में खड़े रहोगे और उनको वो झिलाओगे जो भी होगा तो वो क्या करते हैं हाथ डालते हैं गुदा से और उसमें जन्नांग पकड़ते जन्नांग को पकड़ के ये, ये गन होती, इसके अंदर गन होती है फिर उसको सर्विक्स में कृतिम सर्विक्स में सीमन वीर्य को छोड़ा जैसे आपने आईवीएफ सुना होगा ना मानव के अंदर आईवीएफ है ना कृतिम रूप से बच्चा शुक्राणु से बाहर टेस्ट यू बेबी हाँ सर बस इसमें टेस्ट यू बेबी नहीं है इसमें लाइव है ना एक फीमेल गाय या उसके जो होता है भैंस उसके जन्नांग को पकड़ के उसके अंदर जो है आ, जो सीमन या शुक्राणु को छोड़ना ये कहलाता है बड़ी लंबी चौड़ी है इस पर भी मेरा मैटर बन गया चार पे मैंने मैटर बना लिया है इसमें कैसे कैसे किसने किया था क्या है सारा कुछ आपको बताने वाला तो ये है बेलोइंग अब कैसे याद करेंगे बेलोइंग मेरे तो को फीलिंग आ रही बोलिंग बोलिंग जोर जोर से बोलिंग आप देखना क्या बोलते हैं बेलोइंग बेलोइंग है हाँ ना तो ये जोर जोर से बोल ना बोलना क्या आपको बोलने में इसकी फीलिंग आ रही है देखो बेलो इंग बोलो इंग बोलते ना बोलो इंग तो आप एक दो बार सुनोगे ध्यान बेलो इंग बोलो इंग गाय बैस बोलो इंग गाय बैस बोलो इंग बेलो इंग बोल इंग ओके गाय बैस बोलो इंग ठीक है हाँ फिर हर्ड हर्ड क्या होता है गाय भैंस का समूह हर्ड होता है गाय भैंस को चराना बड़ा हार्ड होता है भेड़ बकरियों को चराना बहुत इजी होता है लेकिन गाय भैंस का समूह तगड़ा होता है एक साथ बाहुबली पिक्चर में देखे ना वो एक साथ कितनी गाय दौड़ के आती है ना बड़ा हार्ड समूह होता है तो गाय भैंस का समूह क्या होता है हार्ड होता है आपने मेरे पढ़ाने में एक चीज ऑब्जर्व करी होगी मैं कोशिश करता हूं वो चीज याद हो उसके लिए एनर्जी भी लगती है टेक्निक भी लगती है और डेडिकेशन लगता है ठीक है एनर्जी चलो मेरे से ज्यादा औरों में है मैं सबका सम्मान करता हूँ लेकिन डेडिकेशन के मामले में और टेक्निक के मामले में कहीं आप लोगों का प्यार है कि हमने महारत की है और मैं आपको और बता रहा हूं पशु परिचर में एक भी क्वेश्चन अपन जाने नहीं देंगे ऐसा तैयार करवाएंगे लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा मेहनत के बिना नहीं होगा ये जैसे मत आ जाना कि ऐसे निपटा देंगे नहीं निपटा सकते मेहनत तो करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी ना भाई हाँ नहीं चढ़ती अपना बेटा पास खड़ा रहना पड़ता मैं गांव के बैकग्राउंड से हूं ठीक है ऐसे गाय नहीं चढ़ती है उसके पास में एक है ना व्यक्ति रहता है जो गाय चराते हैं चरवा बोलते ना जैसे हाँ तो ये रहता है उसके बाद ये हंड्रेड परसेंट आएगा भैया सुनना बॉस बॉस कल बताया था मैंने गाय हमारी बॉस है उसका वंश है इंडिया वाली इंडिकस इंडिया वाली इंडिकस इंडिया वाली इंडिकस इंडिया वाली इंडिकस, इंडिया वाली इंडिकस तो बॉस घर की गाय गाय माता गौ माता बोलते तो है? है. चाहिए तो मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं अभी आपको पता है, बीच में छह महीने सात महीने पहले गायों में बहुत बड़ी बीमारी फैली थी जैसे मनुष्य में कोरोना फैलाता लंपी स्किन डिजीज आपने देखा होगा मेरा वीडियो भी आपने देखा होगा उसमें ठीक है मैं आपको बताऊं हमने उसमें पशुपालन विभाग अब लोग तो देखो कई कहते हैं फोटोज वीडियो पे करते हैं पशुपालन विभाग के प्रत्येक अधिकारी कंपाउंडर और पशु परिचर सबने अपनी पूरी भूमिका निभाई थी मैंने मतलब क्लास के बीच बीच में कई बार जाके इलाज किया था और उत्कर्ष ने है ना कम से कम 10 से पंद्रह हजार गायों के ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी ली थी मैंने भी अपने जितना मैं अफर्ट करता हूं पैसा लगाया था डेडिकेशन लगाया था और उस पर एक वीडियो डाला था आप लोग सब लोगों की दुआ से प्यार से वो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो बना था मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा व्यूज लंपी स्किन डिजीज पे थे वो आपके सर के थे अब जैसे मेरे थे पैंतीस छत्तीस लाख समथिंग व्यूज थे और अनेकों अनेक कमेंट थे हमने निस्वार्थ सेवा की थी क्योंकि जब गौ माता कह दिया ना भैया तो पीछे नहीं हटना ठीक है सब अपनी जगह है गौ माता कहने के बाद यदि अपन पीछे हटते हैं तो नकारा है हमने दिल से सेवा की थी मैंने उस वीडियो में व्यूज में कोई पैसा नहीं लिया और आज भी कह रहा हूं ऐसी कुछ भी यदि आपद आती है, तो पूरा पशु वर्ष यदि कोई बनता है, और उसके दिल में भावना है तो अच्छी सेवा भी वो कर सकता है, और अपने अरमानों से दिल से उनको जीत सकता है तो ये है और बिल्कुल आप लोगों का प्यार है के के पहुंचा कर दो एक बार वन से और आप जितना संख्या और दिल बढ़ाओगे मैं उतना ही जैसे लंबे एमपी को कैसे ओवरटेक किया था कैसे सहायता की उससे ज्यादा सहायता आपकी करने वाले हैं एक बार फटाफट शेयर करके वन के प्लस कर दो इसको ठीक तो है तो बॉस गाय हमारी बॉस है गाय हमारी माता है गाय हमारी बॉस है गाय हमारी बॉस है इंडिया वाले इंडिकस है टॉरस विदेशी है टॉरस जिसकी पीठ एकदम चौरस होती है सर पहचान कैसे होती है जो इंडिया वाली गाय है उसमें हम्प होगा ऐसे थुई होगी ठीक है और विदेशी गाय एकदम चौरस होगी चौरस जानते हो ना सीधी सट जिसकी पीठ चौरस है जिसकी पीठ चौरस है उसका नाम टॉरस है ये लो साहब हाथों हाथी ट्रिक टॉरस जिसकी पीठ चौरस है जिसकी पीठ चौरस है वो बॉस टॉरस है वो बॉस टॉरस है और जिसमें थुई है हंप है वो इंडिया वाले इंडिकस से कुबड़ वाली गाय यदि आपको बोले एक गाय जिसमें कुबड़ नहीं है उसका नाम बताओ जिसकी पीठ चौरस है जिसकी पीठ चौरस है उसका नाम बॉस टॉरस है और इंडिया वाली कुबड़ वाली बॉस इंडिकस है नाम याद हुआ भाई अरे बोलो हाँ ठीक है हाँ ऐसा नहीं है इस प्रकार की बातें नहीं गाय हमारी माता है कुछ नहीं आता हमें बहुत आता है और हम सम्मान करते हैं और बिल्कुल गाय माता है तो इसमें कोई दो राय नहीं मैं बड़े सम्मान से देखता ऐसे कमेंट को मैं सैन नहीं कर पाऊंगा ना गाय हमारी माता है और बिल्कुल हमें सब कुछ आता है और हम सिलेक्शन लेके रहेंगे आज से ये लिखना है ठीक है चलो आओ इधर बॉस गाय का वंश है बॉस क्या होता है जो सुपर है सुपर है है ना ये बॉस है तो ये क्या है वंश है गाय का वंश है बॉस है बॉस गाय का वंश है बॉस गाय का वंश है ठीक है गाय में क्रोमोसोम की संख्या ये भी बड़ा पूछते हैं भैया याद करा दू क्या लगा दू छक्का आप वन के का छक्का लगाओ मैं इधर छक्का लगाता हूं ये सुनो गाय का दूध जो पीता है तंदुरुस्त तो रहता है और साठ नंबर लाता फर्स्ट डिविजन बनाता है तो गाय का दूध पियो और फर्स्ट डिवीजन बनाओ साठ बकरी के दूध में भी साठ होता है और गाय के दूध में जो है गाय के शरीर में भी कितने गुणसूत्र है सांट तो गाय का दूध पियो फर्स्ट डिवीजन बनाओ गाय का दूध पियो फर्स्ट डिवीजन बनाओ ये लो साहब ये याद हो गया हां गाय का दूध जिसने पी लिया उसका फर्स्ट डिवीजन खरा है उसका दिमाग चलता है याद हो गया गाय का दूध पियो फर्स्ट डिवीजन लगाओ गाय का दूध पियो फर्स्ट डिवीजन लगाओ फिर गाय की फैमिली कल ही बताई थी बोवीडी गाय की फैमिली बोवीडी के और फैमिली फेमे... ए सी में अमिताभ बच्चन याद कराया था कल कल की क्लास जरूर देखें काफी चीजें यहां से जुड़ी हुई है कैटल कल ही बताया था कैटल देखो पढ़ो कितने अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है गाय के परिवार के सदस्यों का कैटल कहा जाता है जिसमें गाय भी आती है उसका पतिदेव सांड भी आता है ही पर उसकी बच्ची टोगड़ी भी आती है बैल भी आता है काफ भी आता है यानी कि गाय का पूरा परिवार जैसे मानव का परिवार क्या कहलाता इंसानों का परिवार कहते ना ये इंसान है ठीक है वैसे ही इसको क्या बोलते हैं कैटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैटल बोलते हैं गायों के परिवार को क्या बोलते हैं कैटल बोलते हैं ठीक है चलिए अब सर इनके और आगे हाँ गाय क्या है चलो गाय की परिभाषा बताओ कई बार तो ये है गाय की सर परिभाषा है यही तो पशुपालन है प्रोफेशनल पशुपालन गाय वह कैटल है जैसे मैं बोलू एक औरत की परिभाषा बताए क्या है औरत औरत वह इंसान है वह मानव है जिसका एक बच्चा हो चुका है है ना आप किसी छोटी बच्ची को औरत नहीं बोल सकते किसी बच्ची को औरत नहीं बोल सकते एक फिक्स एक लहजा होता है तो ऐसे गाय गाय वह कैटल है जिसने अभी तक एक बार बच्चे को जन्म दे दिया है प्रसव कर लिया है तो गाय क्या है जिसका बच्चा हो गया है बॉस इंडिकस बॉस टॉरस साफ लिखा है देखो फटाफट बॉस इंडिकस इंडिया वाली देसी नस्ल की गायों में जिसमें हम्प सर ये हम्प क्या होता है हम्प बेटा कुबड़ होता है कुबड़ क्या होता है थुई होती है सर ये क्या होता है ऐसे गायों में एक ऐसा निकला होता है ना ऊपर ये रहता है ऊपर आप देखना ऊंट में जिसको पकड़ते हैं जैसे ऊंट पे बैठते तो अपने लोग तो गिर जाएंगे तो एक कुबड़ पकड़ता है ना ऊपर ऐसा निकला हुआ गोला सा हां वो रहता है जो सबसे बढ़िया सबसे बड़ा किस्म होता है में किस्म होता है नागोरिमी यह तो इंडिया वाली कौन है इंडिकस और ये टॉरस और आपको तो मैंने गाय भैंस भेड़ बकरी सब बताई थी कल गाय का क्या वाली और उसके अलावा भैंस का क्या है और भैरू बाबा ओ ए भैरू बाबा को नहीं लगाना ओविस और उसके अलावा बकरी का क्या नाम था कैपरा हिरकस क्या नाम था कैपरा हिरकस तो फटाफट एक बार सभी जने क्लास को शेयर करके वन के प्लस करो देखो मेरा गिफ्ट है मैं आपको पूरा दे रहा हूं एक एक लाइन टू लाइन पूरे दिन काम करके आज जैसे पूरे दिन ट्रेनिंग थी बिजी थे लेकिन फिर भी आपको मेरी बातों में मेरी डेडिकेशन में कोई कमी लग रही है एनर्जी में कोई कमी लग रही है नहीं थकावट है शरीर में है दिल में नहीं है दिमाग में नहीं है डेडिकेशन नहीं है तो आप में भी नहीं होनी चाहिए एक बार फटाफट शेयर करके पहुंचा दो इसको आंकड़े को फिर एक मैराथन लेके आ रहा हूं कल परसों लंबी सी ठीक है हाँ हां रोजाना मैं ले आऊंगा लेकिन आपको आना पड़ेगा अब क्वेश्चन की बारी सर सवाल कैसे बनते हैं फटाफट खटाखट आडे घट ठीक है आओ इधर पहला सवाल है गाय भैंस भेड़ बकरी हटा दो इसमें से गाय भैंस का क्या होता है बड़ा गाय भैंस का क्या होता है बड़ा ये रहा बड़ा बा से बड़ा बा से बायर याद हो गया गाय भैंस का बड़ा अब सवाल करने की इतनी देर पड़ा ना उसकी सवाल करने की देरी है ठीक है गाय भैंस का क्या होता है बड़ा बड़ा मतलब बायर ठीक है आओ इधर नेक्स्ट अब ये थोड़ा टफ है ऐसे सवाल भी आ सकते हैं भैया मिलाने वाले ठीक है तो इसमें से बढ़िया मुझे दिया था सर काफ का काविंग प्रसव हो रहा है ये रहा पहला ए ए का वन, का वन, गाय में प्रसव अब ये इसमें थोड़ा सा मुझे एह, लफड़ा लग रहा है बुल लॉक क्या है बंद्याकरण ठीक है हर्ड क्या है समूह और सर्विंग क्या है तो इसका हो जाएगा एक दो चार तीन तो इसको मैं वापस सेट कर देता हूं क्योंकि ये जल्दबाजी में थोड़ा सा बनाए सही नहीं है तो ये लो मैं नया ऑप्शन क्रिएट कर देता हूं इसका बन जाएगा एक, एक दो चार और तीन फर्स्ट आंसर है थोड़ा समय कम है तो फास्ट चलेंगे भारतीय गोवंश का वैज्ञानिक नाम बताओ देख लो क्वेश्चन आ गया पशु परिचय दो हजार चौबीस का बताओ सभी जने सबका राइट होना चाहिए भारतीय गोवंश का नाम बताओ भाई सभी को उत्तर देना जो जो वीडियो को बाद में देखेगा तो भी मैं रुक रहा हूं आपसे पूछने का मतलब रुक रहा हूं थर्टी सेकेंड दे रहा हूं फटाफट बताओ गाय बैंस का क्या है बॉस इंडिकस ये कैपरा कौन है कैपरा कौन है बकरी कैपरा कौन है बकरी बॉस टोरस कौन है जिसकी पीठ चौरस है विदेशी ठीक हा, है हाँ आ जाओ नेक्स्ट है पॉलीपेड जिसका खुर है वो खुलावा है वो कौन है गाय बकरी दोनों हैं इसलिए ए और सी ए और सी क्योंकि घोड़ा जो है उसमें क्या आता है सवारी वाला सॉलीपेड है मैं देखो क्वेश्चन भी लाऊंगा थ्योरी भी लाऊंगा सब लाऊंगा मतलब कंप्लीट कॉम्बो पैकेज है आपके लिए हाथों हाथ क्वेश्चन तो हाथ है ऐसी गाय जो कुछ ही में वाली है ऊपर नीचे और यह जैसे स्प्रिंग लगी हुई है ऊपर नीचे ऊपर नीचे स्प्रिंग वाली गाय है ठीक है उसके बाद यह है भाई साहब लंबा चौड़ा यहाँ पे क्वेश्चन एक में चार ऐसी वेराइटी आपको उत्कर्ष का कहीं नहीं मिलेगी एक में चार चार सवाल ठीक है तो बोवीडी फैमिली क्या है फैमिली ये रहा गायों का परिवार है कुल बोलते वैसे ठीक है तो एक का चौथा देखो दो तीन जन दे रहे अरे भाई हीपर क्या हीपर है इसकी जवान मादा तो डी का फर्स्ट डी का फर्स्ट एक में है एक ही है डी आंसर मिल गया देख लेना आगे ठीक है फिर क्रोमोसोम की संख्या बताओ भाई फटाफट गायों का दूध पियो गायों का दूध पियो और फटाफट बोलो कितने नंबर लाओ देखते याद गाय का दूध पियो गाय का दूध पियो और कितने नंबर लाओ हाँ गाय का दूध पियो और फर्स्ट डिवीजन भाई साहब एक एक बच्चे के मैं सब बता सकता हूं इटहत्तर किसका है फाउल का है मुर्गी का है डॉग का है चौपन किसका है भेड़ का है चवालीस किसका है चवालीस किसी का नहीं होता है ठीक है आपको मैं खड़े खड़े यहां पे बोल सकता हूं साठ गाय और बकरी का है पचास किसका है रिवर बफेलो अड़तालीस किसका है ना स्वयं बफेलो जो कीचड़ इंडोनेशिया की बहस होती है अड़तीस किसका है स्वाइन और कैट का पिग और बिल्ली का है ना चौसठ किसका है घोड़े का है बासठ किसका गधे का है चौसठ और बासठ किस तिरसठ किसका है खच्चर का है बासठ चौसठ के बाद चौहत्तर किसका ऊंट का है और इठहत्तर किसका फूल और डॉग का जैसे मैं बोल रहा हूं लाइन टू लाइन आपको बुलाने वाला हूं याद कराने वाला हूं लेकिन समय लगेगा भैया समय तो लगेगा है ना ऐसे नहीं अगर रातों रात ही कोई होशियार हो जाए नहीं होगा जो दूध नहीं दे रही है सूख गई है डाउन डी से डाउन है ड्राई हो गई गाय डाउन डाउन हो गई आप गाय थोड़ी डाउन है मौली है गांव में कहते ना गावड़ी थोड़ी मौली है ऐसा क्यों कि दूध कौन दे अच्छा डाउन है हाँ चलिए अब आगे आपके जो बच्चा दे चुकी है वो गाय है कैटल नहीं है सवाल करा देता हूं ये लो, 11 अब सुनो ये है आज का सबसे बड़ा सभी जने स्क्रीनशॉट लेना अभी पढ़ना जो को देता है वो होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड रिसोर्सेज हिंदी में नाम है राष्ट्रीय अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये करनाल हरियाणा के अंदर संस्थान है पंद्रह अप्रैल दो हजार इक्कीस के अनुसार भारत में पचास थी सुने पचास थी लेकिन अभी ये अपडेट होके गायों की संख्या त्रेपन हो गई है ठीक है पहले कितनी थी पचास थी लेकिन अभी तीन रिसेंटली अपडेट हो गई है तो पचास पहले थी बिल्कुल सही है पचास थी अभी तीन नस्लें और तो अभी रिसेंटली कितनी है त्रेपन सर एनबीएजीआर में टोटल कितनी है टोटल 212 नस्लें हैं उस 212 नस्लों में से गायों की नस्लें हैं त्रेपन कितनी हैं? त्रेपन पहले एक पचास थी लेकिन अब त्रेपन हैं, ठीक है ठीके? और अलग अलग है जैसे आपको बफेलो बताएंगे बीस है सैंतीस बकरिया है चौलीस उसमें कौन है भेड़ है ये लो ए वन के पहुंचा दिए भाई सभी का सैल्यूट है बहुत बहुत धन्यवाद है आप ऐसे संख्या बढ़ाएंगे मैं यहाँ पे कंटेंट बढ़ाऊंगा गारंटेड है एक एक चीज घोटा दूंगा आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शब्द नहीं है मेरे पास लेकिन कंटेंट बहुत है पशुपालन भर भर के पढ़ा है ठीक है आप निश्चित रहे मैं एक एक लाइन को याद करा दूंगा इसको घोटा दो क्या है ना इसको समय मैं घटा इसमें आएगी जैसे बीस है बा बीस ब ब फेलो ठीक है बकरी बकरी में तीन है तीन तीन सात ये बकरी है ठीक है और चमड़ी चौकाई चौका मारो भैरू बाबा का नाम लो भैरू बाबा चौका चौका मारते हैं यहां पे ये लो साहब ठीक है अब आने वाला है सबसे खतरनाक ये है और इसका ऑथेंटिक कहां से सर ये आप डेटा लाते कहां से हो ये ट्रिके लाते कहां से हो ये देखो बेटा ये लाता हूं यहां से क्या ट्वेल्थ की एग्रीकल्चर बुक सरकारी किताब है क्या हाँ इतना तो आप सबको पता होगा कि जब भी कभी रिट लगती है आपत्ति लगती है सरकारी किताब से लगती है लगती है ना सरकारी किताब से लगती है ना तो सरकारी किताब को ही मैं साक्षी मानकर पढ़ाऊँगा मैं कोई पब्लिकेशन आपको कभी डॉक्टरी की किताब नहीं पढ़ाऊंगा एलएसए हमारे चलता है लाइव स्टॉक असिस्टेंट जिसकी मेरी किताब वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं पशु परिचय ही पढ़ाऊंगा क्या पढ़ाऊंगा पशु परिचर ही पढ़ूंगा ठीक है जिसका बेस ये बनेगा क्योंकि कल को आपको सोर्स चाहिए तो ये स्रोत है बेटा आप यहां से इसको आपत्ति लगा सकते हो सर ये किताब कौन सी है ये वाली किताब कृषि विज्ञान है इसका पेज नंबर वन नाइनटी फोर एक सौ नंबर पेज है ठीक है अध्याय नंबर 13 है और बारहवीं कृषि की बुक है इस बुक में पहला चैप्टर जो नस्लों वाला आपका चैप्टर वो यहां से होगा और कल से है ना लगातार पेन कॉपी लेके बैठ जाना कॉन्फिडेंस से बैठ जाना आपको मैं ये सारी नस्लें इधर देखना दुधारू नस्लें पांच है द्विका जी नस्लें बारह है आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ज्यादा इसको नहीं कर सकते अपन ठीक है भारवाघ नस्लें बारह बारह अन बारह और पांच गुणतीस बारह भारवाघ बारह द्विका पांच दुधारू बारह बारह चौबीस और पांच गुणतीस नस्लें और उसके अलावा सात कौन सी है विदेशी नस्लें यानी गुणतीस और सात छत्तीस और उसके अलावा दो नस्लें हैं कौन सी यहां पर संकर छत्तीस और दो अड़तीस अड़तीस ही है बारी में है आपको क्लास लेने के बाद गारंटेड याद हो जाएगा ये लो भैया ये मेरी किताब है ये थी सरकारी किताब और ये उस सरकारी किताब से मैं लेके आ गया आपके लिए खजाना वहां सही दिख नहीं रहा था सही नहीं दिख रहा था ये देखो ये रही एकदम पूरी वो पांच सरस गाय दूध देने वाली अभी देखना मजा यहां पे वे गाय जिसमें ये है ये रही आठ मन कहता है दो किशन जी पीवे दूध सारा भार वाहक नस्ले ये रही बहरा अब पीके नागोरी मस्त है जी बारह बारह चौस और पांच गुणतीस और ये रहा खजाना दूधारू सरस गाय दूध देने वाली द्वी ये रही बारा मन कहता है दो क्विश्चन जी पीवे दूध सारा और ये रही भारवाक अब पीके नागोरी मस्त है जी बारह बारह चौबीस और पांच गुणतीस यदि बारी में गुणतीस नस्ल हैं गुणतीस याद कराऊंगा और पचास है तो पचास कराऊंगा और इसके अलावा ये रही मिनिएचर गाय और ये सब और ये रही दो वो कौन सी ये और उसके बाद विवरण है ये गिर गाय कल मैन चैनल पर मैंने पढ़ा दी थी इस प्रकार से मैटर है मेरा ये फोटो देखना मैं क्या पढ़ाने वाला हूं एक वीडियो मैंने कल उत्कर्ष चैनल पर डाला हुआ उस पर देखना ये गिर गाय ये फोटो ये इसकी थ्योरी फिर इसी थ्योरी का इसी थ्योरी का आपको दूंगा फ्लो चार्ट और प्रत्येक नस्ल के सवाल ही सवाल और एक दो नहीं है एक दो नहीं है सारी नस्लें सारा पशुपालन ये थार पार कर ऐसे मतलब आप निश्चित रहना मैंने पूरी तैयारी आज से नहीं दो से ही कर रखी है ठीक है और पिछले दो से मिला ना सात और तीन दस और कितने हो गए तेरह और तीन सोलह सत्रह साल हो गए जी इसमें काम कर रहा अब वो काम आपके काम आएगा यदि आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहेगा आपकी संख्या बढ़ती रहेगी मेरा जोश बढ़ता रहेगा ऑथेंटिसिटी बढ़ती रहेगी और निश्चित रहना आपको एक एक चीज के बाद ही मैं इस क्लास को बंद करूंगा तब तक के लिए मस्त रहो व्यस्त रहो जबरदस्त रहो और अपने पिताजी की फिक्र को फक्र में बदल दो और माता जी का वही कल वाला फिक्स डायलॉग है रख विश्वास मां महल भी बना दूंगा तू तो सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखला दूंगा के साथ तैयारी करनी है तो बिल्कुल आपको लगातार इस चैनल पर बने रहना है और सोलह अक्टूबर यानी कि अभी सोमवार आज मंगलवार हुआ सोमवार से जोधपुर जयपुर ऑफलाइन बैचेस उसका ऑनलाइन प्रदर्शन उसके साथ यूट्यूब उसके साथ क्लास उसके साथ बुक और जितना पशुपति में पार्ट होने वाला है वो तहे दिल से आपके लिए हाजिर है आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल सवा छह बजे इसी चैनल पर और अभी मेन चैनल पर और क्लास आएगी तब तक, तक के लिए ओके थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट सबाखेर गुड नाइट जय हिंद